नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए। आईपीएल में फिर दिखा धोनी का जलवा, 12वें सीजन में मनवाया अपनी कप्तानी का लोहा, कोच हंसी भी हुए धोनी की कप्तानी के मुरीद, धोनी को बताया टीम की बड़ी संपत्ति, हंसी ने धोनी को बताया टीम की बड़ी संपत्ति। चेन्नई सुपर किंग्स के कोच माइक हंसी ने टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जमकर तारीफ की है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने कहा है कि टीम जब भी मुश्किल में होती है तब धोनी क्रीज पर टिक कर पारी को आगे बढ़ाते हुए साझेदारी करते हैं। हंसी ने साथ ही यह भी कहा कि धोनी डेथ ओवर में काफी प्रभावशाली बल्लेबाजी करते हैं और इसलिए मेरी नज़र में वह सिर्फ चेन्नई नहीं बल्कि किसी भी टीम के लिए संपत्ति से कम नहीं है। दिल्ली ने लगाई जीत की हैट्रिक, दक्षिण अफ्रीकी पेसर कागिसो रबाडा की अगुवाई में तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल के 30वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 39 रन से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। दिल्ली से मिले 156 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम 18.5 ओवर में 116 रन पर ढेर हो गई। दिल्ली की तरफ से रबाडा ने जहां 4 तो मॉरिस और पॉल ने 3-3 विकेट लिए। दिल्ली की लगातार तीसरी जीत थी और अंक तालिका में वह दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। ताहिर ने दर्ज की अपने नाम खास उपलब्धि, इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेल रहे इमरान ताहिर ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में अपने नाम एक शानदार उपलब्धि दर्ज करा ली। कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए मैच में ताहिर ने 27 रन देकर 4 विकेट लिए जो उनके आईपीएल करियर का श्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। ताहिर आईपीएल में 40 साल से अधिक उम्र में किसी एक मैच में 4 विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बन गए हैं। ताहिर से पहले ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉन, प्रवीण तांबे और ब्रैड हॉग यह कारनामा कर चुके हैं। फाफ डुप्लेसी ने फील्डिंग में मनवाया अपना लोहा, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच ईडन गार्डन्स में खेले गए टूर्नामेंट के 29वें मैच में चेन्नई के फाफ डुप्लेसी ने एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया। डुप्लेसी ने इस मुकाबले में बेहद ही शानदार फील्डिंग करते हुए 4 कैच पकड़े। डुप्लेसी अब आईपीएल के इतिहास में किसी एक पारी में सर्वाधिक कैच पकड़ने वाले खिलाड़ियों की फेहरिस्त में शामिल हो गए हैं। इससे पहले एक पारी में 4 कैच लेने का कारनामा सचिन तेंदुलकर और जैक कैलिस जैसे खिलाड़ी कर चुके हैं। विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को विश्व कप के लिए इंग्लैंड जाने वाले अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। आरोन फिंच की अगुवाई में चुने गए इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में बॉल टेम्परिंग में 1 साल का बैन झेलने वाले स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर की वापसी हुई है, जबकि विकेटकीपर पीटर हैंडस्कॉम और तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड को टीम में जगह नहीं मिल पाई है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों को विश्व कप स्क्वाड में जगह मिली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं।